गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक जो अपना था उसके आगे चलते हैं। मैथ क्लास में हमने पढ़ रहे थे पहले कि जो सॉल्यूशन होता है अवकल समीकरण का, अवकल समीकरण के हल कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। हमारे पास नंबर फर्स्ट था व्यापक हल। व्यापक हल की मैं बात करूं, यानी कि अगर मैं हिंदी में कहूं तो इसे हम कहेंगे जनरल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, ठीक है। नंबर सेकंड हमारे पास है विशिष्ट हल, यानी कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और नंबर थर्ड है विचित्र हल, यानी कि सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमने लास्ट में देखा था। अब इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे, क्या होता है व्यापक हल, क्या होता है विशिष्ट हल और क्या होता है विचित्र हल। तो स्टार्ट करते हैं व्यापक हल से। इसकी डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं यहां पे, आप उसको ध्यान से देखेंगे। इसकी डेफिनेशन है कि यदि किसी अवकल समीकरण के ऐसे हल को जिसमें अवकल समीकरण की कोटि के बराबर संख्या में स्वेच्छ अचरों की संख्या हो, स्वेच्छ अचर आते हो या स्वेच्छ अचरों की संख्या हो, उन्हें व्यापक हल कहते हैं। ठीक है, वो जो समीकरण कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? व्यापक हल। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। पहले से एग्जांपल से समझ लेते हैं कि कैसे ये एक व्यापक हल होगा। तो हमारे पास देखिए, आप मान लेते हैं कोई समीकरण है, अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस साइन एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसका हमें हल निकालना है। हल निकालने का मतलब होता है कि y आना चाहिए, मतलब कि y अलग से आना चाहिए, dy अपॉन dx या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर का मान नहीं होना चाहिए, कुछ भी समीकरण के अंदर हट जाना चाहिए। तो हमें ये हटाना है। तो क्या करेंगे हटाने के लिए? इंटीग्रेशन करेंगे, बाय इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो डी टू वाई अपॉन डी स्क्वायर और डी एक्स प्लस यहां पर भी, ठीक है, आप काम कर सकते हैं, इसको वहां भी लेके जा सकते हैं। तो इसका अपलन करोगे तो क्या आ जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स भाई, डी एक्स डी एक्स कट जाएगा और एक समाकल साइन डी वाई से कट जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बच जाएगा। और मैं इसको वहां लेके जा रहा हूं तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस के साइन एक्स। और साइंस का क्या हो जाता है? माइनस का हो जाता है, तो हो जाएगा प्लस के कोस एक्स डी एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी वन। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान क्या है हमारे पास? कोस एक्स प्लस सी वन, क्योंकि साइंस का क्या होता है? माइनस का कोस होता है, तो माइनस ऑलरेडी बाहर है ही, तो प्लस हो जाएगा। अब इसको हम दोबारा से करते हैं, ठीक है, दोबारा से इसका समाकल करते हैं। हमारे पास क्या है?
dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी वन अगेन इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में करता हूं दोबारा से, तो क्या आएगा यहां पे y कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स प्लस का प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू, बताओ होगा या नहीं, इतना करता था आप जानते ही हो, ठीक है। डीवाई पॉइंट क्या हो जाएगा y कॉस एक्स का हो जाएगा साइन और सी वन का हो जाएगा सी वन एक्स और प्लस आ जाएगा सी टू, ठीक है। आप कि सी वन और सी टू है ये दोनों क्या है स्वेच अचर हैं, सी वन व सी टू स्वेच अचर हैं, और स्वेच अचर इन्हें हम क्यों कहते हैं ये मैं बताता हूं कि यहां पर हम सी वन और सी टू की जगह पर अपने हिसाब से सवाल के अकॉर्डिंग कोस एक्स लोग एक्स टेन एक्स कुछ भी ले सकते हैं जैसा सवाल कहता है। जैसे मान लो यहां पर लोग वाई होता तो यहां पर हम लोग एक्स लेकर लोग से लोग काटने की कोशिश करते, यहाँ लोग यहां भी होता तब भी, तो ये है आपके पास सी वन सी टू स्वेच अचर, अचर तो है लेकिन अपनी इच्छा से लिया गया अचर है कि हर सवाल में ये अपने हिसाब से चेंज हो सकता है। तो देखिए यहां पर कितने स्वेच अचर आ रहे हैं, दो स्वेच अचर आ रहे हैं, और इसकी कोटि कितनी थी, समीकरण की कोटि कितनी थी दो, तो जितनी कोटि है उतने ही इसके क्या हैं स्वेच अचर हैं, तो इस हिसाब से क्या हुआ ये व्यापक हल हुआ। उसने बोला है आपसे कि किसी अवकल समीकरण के ऐसे हल जिसमें अवकल समीकरण की कोटि के बराबर संख्या में स्वेच अचर आते हों, ठीक है। जितनी कोटि, दो कोटि है तो फिर अगर दो कोटि है तो दो ही क्या होंगे स्वेच अचर होंगे, क्लियर। आगे चलते हैं, तो ये हो गया हमारे पास इसका व्यापक हल, ठीक है। तो y बराबर साइन एक्स प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू दी गई समीकरण का व्यापक हल है, व्यापक हल होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमारे पास विशिष्ट हल, तो विशिष्ट हल जो होता है वो क्या कहता है कि यदि किसी अवकल समीकरण में, ठीक है, यदि किसी अवकल समीकरण में स्वेच अचरों को मान दे दिया जाए, अर्थात मान दे दिया जाए, जैसे हम ये बस ये समीकरण है इसकी बात कर रहे हैं, तो अगर मान दे देंगे तो वह समीकरण विशिष्ट हल कहलाएगी, विशिष्ट हल कहलाएगी। हमारे पास क्या है, अब इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें देखिए आप कि y बराबर साइन एक्स प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू जो वैल्यू है उसमें मैं अपनी तरफ से सी वन बराबर मान लेते हैं जीरो, सी टू बराबर मान लेते हैं वन दे देता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा वाई बराबर साइन एक्स प्लस यहां पर मैं देता हूं वन, यहां देता हूं जीरो प्लस एक्स प्लस जीरो यानी कि वाई बराबर साइन एक्स प्लस एक्स। तो ये जो समीकरण निकल के आया है इसमें सी वन और सी टू तो नहीं है ना, वो गायब हो चुके हैं, तो इसका मतलब जहां पर हम सी वन और सी टू के मान को विलोपित कर दें हटा दें तो वो जो आंसर बनता है वो क्या होता है विशिष्ट हल, ठीक है। ऐसे ही अगला है हमारे पास विचित्र हल, विचित्र हल की हम बात कर रहे हैं, तो विचित्र हल जो होता है हमारा उसमें विचित्र हल अलग है, हम कह सकते हैं कि ऐसी अवकल समीकरण, ऐसी अवकल समीकरण जिसमें स्वेच अचरों को
विशिष्ट मान देने पर भी शेष अक्षरों को विशिष्ट मान देने पर भी समीकरण का कोई हल प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, ऐसे आपका समीकरण जिसमें शेष अक्षरों को विशिष्ट मान देने पर भी समीकरण का कोई हल प्राप्त नहीं होता है, उसे हम कहते हैं विचित्र हल, यानी कि सिंगुलर सॉल्यूशन। याद रखिए ये अलग से टॉपिक है आपका, ये आगे आएगा उसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, अलग से टॉपिक है। तो हम ये बात कह रहे थे कि विचित्र हल हो या व्यापक हल हो या हमारे पास, सभी व्यापक हल से आगे की बात होती है। यानी कि अगर विशिष्ट हल की बात की जाए तो व्यापक हल के में C1 C2 के मान रखे जाएंगे तो क्या बनेगा, विशिष्ट हल बनेगा। ठीक है, ऐसे हम विचित्र हल की बात करेंगे। तो यहाँ समीकरण है वो व्यापक हल से आगे की बात होती है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, उसमें हमने डिग्री और ऑर्डर निकाला था, तो एक दो टाइप और बाकी था उसमें भी देख लेते हैं लास्ट में। तो हमारे पास, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास d²y / 5dy/dx + y dx = x³। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री, ये फाइंड करो। जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो हम यहाँ पर जो ये प्रोसेस है हमारा, ये जो बोले तो समाकल का साइन है, इसको हटाना जरूरी है। अभी आप देखोगे तो कहोगे कि सर जी दो तो ऑर्डर है और डिग्री कितनी है इसकी, 1, एक डिग्री है। लेकिन नहीं, पहले इसको हटाएंगे, यानी पहले समाकल को हटाएंगे, और समाकल को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू किसके, एक्स ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो d/dx d²y/d²+5dy/dx dy/dx + dx/dx। ठीक है, बराबर में d/dx x³। तो इसका तो क्या हो जाएगा, d³y/dx³, इसका हो जाएगा 5d²y/dx², इसका हो जाएगा dx से तो dx कैंसिल, और d से ये समाकल का साइन कैंसिल। ठीक है, तो खाली क्या बच जाएगा, y। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 3x². ठीक है, अब देखो आप कितना हो गया ऑर्डर कितना हो गया, 3 ऑर्डर तो हो गया 3, और डिग्री कितनी हो गई, 1। तो ये ध्यान देना था कि यहाँ पे ऑर्डर 2 नहीं होगा, ऑर्डर यहाँ पर होगा 3, क्योंकि पहले हम क्या करेंगे, उसका डिफरेंशियल करेंगे। तो ये चीज ध्यान में रखनी थी आपको, ये बताना जरूरी था, इस तरह के सवाल भी आपके पास होते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारे पास और चीजें जो है उसमें प्रथम कोटि और प्रथम घात के समीकरण हमें निकालने होंगे, जो हमारा मेन टॉपिक भी है। तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, याद रखना, दिमाग में बैठा लो, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, यानी कि dy/dx टाइप का होगा, dy/dx + 5x = 0, इस टाइप का कुछ होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 2 भी नहीं आएगा और ना ही पावर में भी 2 आएगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है और फर्स्ट डिग्री है। समझ में आ रहा है आपको?
तो इस हिसाब से आपके पास जो ये प्रोसेस है वो ध्यान में रखना है कि आपको समीकरण पहचाननी है। तो इसको हल करने के जो तरीके हैं वो आपको बताते हैं। इसका व्यापक या समीकरण जो होता है, व्यापक समीकरण फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का, उसको हम लिखते हैं m प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जीरो, या हम सकते हैं इसको m डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर जीरो, ठीक है, जिसमें m व n या तो x y के फलन हो या कोई अचर हो, या तो x और y के फलन हो या कोई अचर हो, तब इसे हम क्या बोलेंगे, प्रथम कोटि का कोटि व प्रथम घात के अवकल समीकरण, ठीक है, ये चीज है हमारे पास। अब हमारे पास इसको सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं उसको बारे में देख लेते हैं। तो हमारे पास पहला जो मेथड है, फर्स्ट मेथड है, वो आप पहले भी 12th क्लास पढ़ चुके हो, वो है हमारे पास समीकरण हल करने की विधि, ठीक है, पहले इस पर लिख लेते हैं हम कि हल करने की विधि। तो समीकरण जिनमें चर पृथक किए जा सके, याद रखिए कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का ये है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, तो ये वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए जो विधि काम में ली जाएगी, उस इस विधि से हम क्या करेंगे, प्रथम कोटि प्रथम घात के अवकल समीकरण का हल निकालेंगे, ठीक है। तो ये विधि जो है हमारे पास वो, इसके बाद विधि जो आती है वो है समघात समीकरण, समघात समीकरण। नंबर थर्ड जो विधि आती है वो है समघात समीकरण में बदलना, समघात समीकरण में समानयन, यानी कि बदलना, समघात समीकरण में बदलना, यानी कि होमोजीनियस, होमोजीनियस इक्वेशन, और यह है रिड्यूसिबल, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस क्वेश्चन, ठीक है। और नंबर फोर है हमारा इसके बाद, वो है रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर, कोई दिक्कत। अब हमारे पास एक और है ऐसे भी, बर्नौली, बर्नौली के अवकल समीकरण, ठीक है, ये हमारे पास बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे पास इस तरह से पांच ये मेथड है, और दो मेथड और भी हैं, वो मेथड है हमारे पास, एक तो है यथार्थ अवकल समीकरण, और एक है यथार्थ अवकल समीकरण में समानयन, अवकल समीकरण में समानयन,
यानी कि रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका मतलब क्या होता है एग्जैक्ट। तो ये विधि यहां हमारे को पढ़नी है, इन विधियों को हमें पढ़ना है, ये ध्यान रखना है। आप साथ साथ नोट्स बनाते जाइए और इन विधियों को हमें पढ़ना है। ये दो विधि ये है और बाकी पांच पहले लिखवाई थी, तो इन विधियों को हम कल एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।